18 जून से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण। वृषभ में बुध और शुक्र की युति। 12 राशियों पर चमत्कारी योग का प्रभाव। कौन सी राशियां करोड़ों में खेलेंगी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, धर्म ज्ञान के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। इस 18 जून से शुक्र और बुध की युति हो रही है। एक तरफ शुक्र है जो व्यक्ति के भोग विलासिता, आपके धन भाव के, कला सौंदर्य के, आकर्षण के कारक माने जाते हैं। दूसरी तरफ बुध है, बुध ग्रह जो कि आपके धन धान्य के ही, लेकिन खासकर आपकी विद्या के, आपके ज्ञान के भी कारक माने गए हैं। और ऐसे में बुध शुक्र की ये युति आपकी 18 जून से हो रही है, और वो भी वृषभ राशि में, यानी कि शुक्र के ही घर में। और इस युति से कई तरह के शुभ संयोग बन रहे हैं। पंच महापुरुष योग के साथ साथ लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण हो रहा है, और इन शुभ योग का असर आपके हमारे जीवन पे कैसा असर पड़ने वाला है, इन शुभ योग में किस तरह से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, ये आज हम जानेंगे मयंक जी से राशि अनुसार। आई सबसे पहले शुक्र और बुध की युति के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, बताइए। देखिए, ज्योतिष में जब भी शुभ ग्रहों की युति होती है तो बड़ा जबरदस्त एक योग बनता है। जैसे कि कौन कौन से वो शुभ ग्रह हैं जिनकी युति से बड़ा जबरदस्त लाभ बनता है और शानदार योग बनता है। सबसे पहले नंबर पे आता है गज केसरी राजयोग, जो कि गुरु चंद्रमा की युति से बनता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में किसी भी भाव में गज केसरी राजयोग होगा तो उसके जीवन में निरंतर खुशियां रहती हैं, कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। उसके बाद जो योग बनता है सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग, ये भी बहुत ही जबरदस्त हम योग कहते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को बल बुद्धि विवेक मिलता है, धन लाभ होता है, सरकारी नौकरी के योग बनते हैं और उसके जो सुख साधन होते हैं वो उच्च कोटि के होते हैं। इसी तरीके से सबसे पावरफुल राजयोग जो बनता है कविता जी, वो होता है शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग। कहते हैं कि शुक्र और बुध का अगर लक्ष्मी नारायण योग जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है उसको जीवन में सभी तरह की सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, उसका वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है, उसके पास धन दौलत की कमी नहीं रही होती, उसके पास मकान वाहन की कमी नहीं होती है, उसके पास बुद्धि की कमी नहीं होती है, उसके पास ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है और बल विवेक भी उसके पास प्रचुर मात्रा में रहता है, यानी कि सर्वगुण संपन्न ये योग बना देता है व्यक्ति को। और ऐसा व्यक्ति अगर गरीब घर में भी जन्म ले तो वो निश्चित रूप से जब उसका राजयोग का समय आता है तो व्यक्ति धनाढ्य हो जाता है, यानी कि धनाढ्य योग कुंडली में बन जाता है, जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती है। अब शुक्र और बुध तो देखिए हर राशि में योग बनाते हैं, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक योग बनाते हैं, लेकिन किन राशियों में ये सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, वो दो ही राशि हैं कविता जी, या तो वृषभ राशि है जहाँ बुध जो है मित्र घर में होते हैं और शुक्र जो है स्वराशि के होते हैं, ऐसे ही दूसरी वो राशि है तुला राशि जो कि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, वहां शुक्र बुध की युति भी लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करती है। और एक योग जो तीसरा है वो मीन राशि में बनता है, हालांकि बुध वहां नीच के हो जाते हैं लेकिन शुक्र जब साथ होते हैं तो नीच भंग राजयोग बना के कहना चाहिए लक्ष्मी नारायण योग बहुत ही पावरफुल बना देते हैं। तो इन तीन राशियों से बेहतर लक्ष्मी नारायण योग शुक्र और बुध का मैंने कहीं नहीं देखा है, जो मेरे एक्सपीरियंस में कहता है। तो लग्जरी ही लग्जरी देने वाला ये जो योग है लक्ष्मी नारायण योग, किस तरह से आपके भी धन भाव को, आपके धन धान्य को बढ़ा रहा है, इस बार बढ़ाने आया है, यह जब मयंक शर्मा जी से जानते हैं। तो इसमें बेसिकली आपके फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर ही हम बात करेंगे, तो आर्थिक पक्ष के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले मेष राशि से शुरू करते हैं। देखिए, अगर इसमें सही आपने बताया कि लग्जरी या आर्थिक पक्ष को हम ले रहे हैं, इसमें इसी चीज़ को उठाया गया है, तो मेष राशि वालों के सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी, धन दौलत की वृद्धि होगी और वैवाहिक सुख में भी वृद्धि होगी, आपके जीवन में प्रेम प्यार की बरसात होगी। तो मेष राशि वालों के लिए गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। मयंक जी, वृषभ राशि के लिए, क्योंकि ऐसे कई जातक भी होंगे जिनका कहीं पैसा इन्वेस्ट होगा, क्या उनका रुका हुआ धन वापस आएगा? देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए तो ये योग बहुत ही शानदार है, क्योंकि आप ही की राशि में योग बनेगा, धन लाभ प्रचुर मात्रा में होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा और काम कारोबार की भी आपकी तरक्की होगी, तो आपके लिए भी ये जो गोचर है बहुत ही शानदार है। बात करें अगर हम मिथुन राशि के लिए कैसा है। मिथुन राशि वालों के लिए 12वें भाव में ये योग बनेगा,
तो यहाँ आपको यात्राओं से धन लाभ होगा, काम कारोबार में तरक्की होगी, सुख साधन बढ़ेंगे, क्योंकि बारहवें घर का शुक्र तो आदमी को राजा बना देता है। और इस समय शुक्र की स्थिति आपको बहुत जबरदस्त फायदा देगी, खासकर व्यापारियों को, विदेशों से लाभ मिलेगा, सुख साधन बढ़ेंगे, कुल मिलाकर आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ थोड़ी सी आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, वो भी खान पान के नजरिए से। अगर आगे बढ़ते हैं और अब ये जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ है इस शुभ योग में। कर्क राशि वालों के लिए ये योग बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कविता जी कर्क राशि वालों के लाभ स्थान में योग पड़ रहा है। लाभ स्थान में लक्ष्मी नारायण योग, मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग आपको बहुत ही उत्तम फल देने वाला है। धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख साधन बढ़ेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपके वैवाहिक जीवन में या प्रेम संबंधों में भी खुशी आएंगी और संतान की भी आपकी तरक्की होगी। चलिए अब जानते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए लक्ष्मी नारायण योग कैसा रहेगा। लक्ष्मी नारायण योग के कारण सिंह राशि वाले इस समय अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करेंगे। यहाँ आपका भाग्य साथ देगा, हर तरह के कामों में आपको सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन की प्राप्ति होगी, कोई काम अगर आपका अभी तक नहीं पूरा हो पा रहा था वो पूरा होगा, सुख साधन भी आपके बढ़ेंगे और आपका स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया रहेगा। अब तक हमने मेष राशि से लेके आपके सिंह राशि तक की बात की, अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए इस लक्ष्मी नारायण योग में कितना धन भाव बढ़ने वाला है, धन धान्य से कितने भरने वाले इनके घड़े, ये भी जान लेते हैं। देखिए कन्या राशि वालों के लिए कविता जी ये समय जो है बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके भाग्य स्थान में ये योग बन रहा है। और भाग्य स्थान में जब योग बनता है, भाग्य स्थान क्या होता है, नवम भाव को भाग्य स्थान कहते हैं, जिसको हम त्रिकोण कहते हैं। जिन लोगों के केंद्र या त्रिकोण में ये योग बन रहा है उनको तो परम सुख की प्राप्ति होगी। तो कन्या राशि वालों को सबसे बड़ा क्या फायदा मिलेगा, आपको कार्य क्षेत्र में प्रमोशन मिलेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी और शुक्र के कारण यहाँ धन लाभ की वृद्धि होगी और भाग्य भी आपका साथ देगा, यानी कि ये आपको सर्वगुण संपन्न बना देगा, हर तरीके से लाभ ही लाभ कन्या राशि वालों के लिए। मैं जी अगर बात करें हम तुला राशि वाले जातकों के लिए तो इनके लिए ये योग कितना शुभ है। तुला राशि वालों के लिए कविता जी अष्टम भाव में ये योग बन रहा है और इनका भाग्य भी साथ देगा, खासकर विदेशों में। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, जो लोग विदेश में हैं तुला राशि वाले, उनका भाग्य इस समय पूरी तरीके से साथ देगा, धन लाभ के योग बनेंगे। जो लोग ज्योतिष धर्म कर्म वास्तु के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उनको इस समय विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, काम कारोबार भी आपका अच्छा चलेगा और मान सम्मान की भी वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन के लिए योग बहुत अच्छा है। अगर आप कोई काम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करने की शुरुआत कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये योग बहुत अच्छा है, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और इस समय आपके जीवन साथी की भी तरक्की होगी, तो कुल मिलाकर आपके लिए भी ये योग बहुत ही शानदार है। चलिए अब जानते हैं कि धनु राशि वालों के लिए इस लक्ष्मी नारायण योग में क्या कुछ है। देखिए धनु राशि वालों के लिए लक्ष्मी नारायण योग थोड़ा सा मिला जुला रहेगा, हालांकि इनको भी धन लाभ की प्राप्ति होगी लेकिन इनके कार्य जो है रुक रुक के थोड़ा बनेंगे। इस समय मैं सलाह देता हूँ कि धनु राशि वालों को किसी भी बड़े परिवर्तन से बचना चाहिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जरूर से ज़रा भोग विलासता पर खर्च करना चाहेंगे आप तो उस चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल लगाइए, अन्यथा आपका बजट भी बिगड़ सकता है। काम कारोबार की स्थिति आपकी बिल्कुल सामान्य रहेगी, किसी तरह की कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्या मकर राशि के जातक लक्ष्मी नारायण योग का लाभ उठा पाएंगे? जबरदस्त लाभ मिलेगा मकर राशि वालों को, क्योंकि इनके लिए तो ये योग पंचम भाव में बन रहा है। जो लोग फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, मीडिया लाइन से हैं, पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, उनके लिए ये योग बहुत ही शानदार है। या जो लोग कविता लिखते हैं, रचयिता हैं, पोएट राइटर फिलोसफर हैं, तो ज़बरदस्त ये राजयोग मिलेगा। आपकी संतान की तरक्की होगी इस समय और इस समय आपके संतान की नौकरी लगने के भी योग बन रहे हैं। अगर संतान विवाह योग्य हैं तो विवाह भी होगा। आपके काम कारोबार में भी इस समय तेजी आएगी, धन लाभ की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों, आपके कुंडली में जो बुध हैं पंचम भाव के कारक हैं और अष्टम भाव के कारक हैं, शुक्र चतुर्थ भाव और नवम भाव के कारक हैं, तो आपके लिए भी ये स्थिति एक जबरदस्त राजयोग बनाएगी। लक्ष्मी नारायण योग, मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग आपके सुख साधनों में वृद्धि करता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी गाड़ी लेने के योग बन रहे हैं, नई नौकरी अगर आप तलाश रहे हैं तो ये आपकी जो ख्वाहिश है, ये इच्छा ये पूरी हो सकती है और वहां पर आपको प्रमोशन भी मिलेगा, आपको पावर भी दी जाएगी। कुल मिलाकर इस समय आपका जो मन है बड़ा प्रसन्न रहेगा, यात्राओं का योग बन रहा है, यात्रा कीजिए, एंजॉय कीजिए इस समय को, बहुत ही शानदार समय है। चलिए जाते जाते बात हो जाती है अब मीन राशि की। मीन राशि वाले शुक्र बुध की युति तीसरे भाव में बनी है, ये आपको भी फायदा देगी और आपके भाई बहनों को भी, छोटे भाई बहनों को भी लाभ मिलेगा। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं तो आपको मीन राशि वालों जबरदस्त लाभ मिलेगा, नए कार्य की शुरुआत ये देते हुए नजर आ रहे हैं, धन लाभ की प्राप्ति होगी, सुख साधन बढ़ेंगे
और भाग्य भी आपका साथ देगा, यात्राओं का योग बनेगा, लेकिन राहु की स्थिति के कारण चीज़ें गड़बड़ भी हो सकती हैं। तो यहाँ आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, खान पान गलत तरीके से खाएंगे तो सेहत खराब हो सकती है। दूसरा क्या ध्यान देना है, किसी को पैसा उधार नहीं देना है, और मीन राशि वालों अपनी वाणी पर आपको संयम बना के रखना है। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि वाणी स्थान में कविता जी राहु बैठा है, और राहु कहते हैं ना कि वाणी स्थान में राहु मंगल शनि हो तो व्यक्ति कड़वा बोलने से चूकता नहीं है। तो और ये बात जो है मीन राशि वालों के अगेंस्ट जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके मित्र रिश्तेदार ये समझ लगे कि आखिर आपको हो क्या क्या है, एकदम से परिवर्तन हुआ है राहु का और आपके अंदर तो बड़ा बदलाव आ रहा है, यही चीज शायद रिश्तों में टकराव भी। बिल्कुल, तो ये थोड़ा इस चीज का ध्यान रखें, कहीं ईगो के भाव ना आ जाए, आप तो इतनी अच्छी राशि है और थोड़ा सा इमोशनल होए, थोड़ा सा प्यार में रहिए तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो ये आज हमने मेंशमन जी से जाना कि इस प्रकार शुक्र अपने ही घर से बुध के साथ मिलकर आपको क्या कुछ दे रहा है, और लक्ष्मी नारायण योग का जो ये प्रभाव है, शुभ प्रभाव है, आप लोगों के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। इसी के साथ मुझे मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।